नमस्कार। अब तक की ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। संत समाज द्वारा भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष गौड़ का किया गया सम्मान। पीड़ित निवेशकों को दिखी उम्मीद की किरण। बर्ड्स एक्ट के तहत भिवानी में कार्यालय खोलने का मिला आश्वासन। हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा चुनाव नहीं होंगे साथ साथ, कहा प्रदेश प्रवक्ता जोहर यादव ने। गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने चिकित्सा के क्षेत्र में गीता का बताया महत्व। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिला भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश गौड़ को सम्मानित करने के लिए सर्व समाज द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने 36 बिरादरी के नागरिकों द्वारा सम्मानित करने पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कार्यक्रम नहीं है, पार्टी का आदेश होगा तो वो चुनाव के लिए भी तैयार है। भिवानी के विभिन्न संगठनों द्वारा भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ का स्वागत किया गया। समारोह में भीड़ को देखकर उत्साहित हुए मुकेश गौड़ ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि शहर के निवासियों की ओर से उन्हें इतना स्नेह मिला है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक कार्यक्रम है, इसे चुनावी तैयारी से जोड़कर न देखा जाए। गौड़ ने कहा कि पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ये देखिए, पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में शहर में एक अच्छा वातावरण था और कुछ एक प्रबुद्ध लोगों ने आकर के बातचीत की कि भाई आपका सम्मान समारोह का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। मेरे लिए भी गौरव की अनुभूति है कि पॉलिटिकल आदमी होने के बावजूद भी, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी उसके बाद भी, समाज के सर्व जातियों के सर्व बिरादरी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आपने देखा कि कितना शानदार ये कार्यक्रम। मैं अपेक्षाओं से भी दूर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त लोगों का प्यार और प्रेम और स्नेह मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत गौरवान्वित मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि शहर की जनता मुझे कितना, मुझे वैसे भी आभास था क्योंकि लोगों के बीच में 25-26 साल से रहता आ रहा हूँ और एक दूसरे के हम सुख दुख के साथी हैं, परंतु यहाँ पर जनता के तौर पर मैंने जो आज अपने प्रति जो प्यार और प्रेम मैंने महसूस किया है, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात। नहीं नहीं, चुनाव की तो पार्टी तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। मैं भी पिछली 2014 में भी चुनाव, 2019 में भी चुनाव के लिए मुझे लगता था मुझे चुनाव लड़वाएगी पार्टी, परंतु नहीं लड़वाया। अब पार्टी चुनाव लड़वाएगी तो लड़ूंगा। ये कोई चुनाव की तैयारी का कार्यक्रम नहीं है, सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और अगर कोई इसको चुनाव की तैयारी के नाते देखे तो भी देख सकते हैं, वैसे चुनाव की तैयारी का कार्यक्रम नहीं, ये समाज का सम्मानित करने का कार्यक्रम था। इसमें हर समाज के, हर राजनीतिक पार्टियों के लोग भी थे, तो इसको आप राजनीतिक कार्यक्रम। PACL, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, नेट कमर्शियल स्टेट इत्यादि के पीड़ित निवेशकों ने एक बैठक की। बैठक में तप जप के जिला अध्यक्ष रामजस ने भिवानी में बर्ड्स एक्ट का कार्यालय खोलने के आश्वासन पर सरकार का आभार व्यक्त किया। इस फैसले के बाद 8 वर्षों से अपने जमा धन की वापसी के लिए भटक रहे निवेशकों में एक उम्मीद जगी है। हुड्डा पार्क में बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान राम जस ने कहा कि अपनी जमा पूंजी वापस लेने की मांग को लेकर PACL सहित अन्य चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों करीबन 8 वर्षों से भटक रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्ड्स एक्ट 2019 के कार्यालय खोले जाने के आदेश के बाद पीड़ित निवेशकों में एक उम्मीद जगी है, जिसको लेकर देश भर के पीड़ित निवेशकों द्वारा 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर उनका आभार जताया जाएगा तथा मांग भी करेंगे कि जल्द से जल्द पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें वापस दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रदेश भर में कार्यालय खोले जाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश के 9 जिलों में कार्यालय खुल चुके हैं। अगले सप्ताह तक भिवानी में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्यालय खोले जाने का आश्वासन दिया गया है। आज भिवानी के अंदर तप जप संगठन की तरफ से लोगों को संबोधित किया। 2019 बर्ड्स एक्ट के द्वारा ऑफिस खुलवाने के बारे में और आगे की रणनीति, मोदी साहब ने जो कानून बनाया सभी पीड़ितों के लिए पैसा दिलवाने के लिए, जो 2019 बर्ड्स एक्ट कानून बनाया लागू करने के लिए
उनको धन्यवाद करने के लिए 30 तारीख को हमने दिल्ली जाने का ऐलान किया और वहाँ मोदी साहब का धन्यवाद किया जाएगा। हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के DRO DC साहब सबने आश्वासन दिया है कि हम आप जल्दी से जल्दी आपका ऑफिस खोलेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं को हल करेंगे। इसी बारे के अंदर आज हमने सभा की और सभी लोगों को जागरूक किया और दिल्ली जाने का सबसे बड़ा ऐलान हमारा 30 तारीख का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करने के लिए थैंक यू। क्या कहना चाहोगे जो आज मीटिंग की गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो NAMIS जमा योजना पामदी कानून 2019 के तहत पूरे हिंदुस्तान को एक कानून दिया, लोगों को जमा पूंजी जो डूबी हुई थी उसको वापस देने का गारंटी दी गई। इसके लिए हम 30 जनवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में जाकर के उनका पूरा राष्ट्रव्यापी पूरा समूह पूरे हिंदुस्तान से लोग एकत्रित होंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे ताकि उनके लोगों की जमा डूबी पूंजी वापस मिल सके। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा है कि आला कमान अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाना चाहेगी तो पार्टी तैयार है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यादव ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता धरातल पर कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ नहीं होंगे, दोनों चुनाव अपने तय समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से सभी दलों ने किनारा कर लिया है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि जब भी राहुल गांधी कोई यात्रा निकालते हैं इसका फायदा बीजेपी पार्टी को मिलता है। उन्होंने कहा कि हुड्डा वर्सेस SRK ग्रुप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लोकसभा के चुनाव हरियाणा के अपने समय पे होंगे और हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनाव अपने समय पर होंगे, परंतु जैसा मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने कहा था, अगर ये हुआ कि केंद्र कराना चाहेगा इकट्ठा तो हरियाणा भाजपा और हरियाणा की मनोहर सरकार इसके लिए तैयार है। और आज ही केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे जो प्रभारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है श्री विप्लव देव जी को लोकसभा की दृष्टि से प्रभारी लगाया गया है और हमारे राज्यसभा के दूसरे सांसद सुरेंद्र नागर जी को लोकसभा की दृष्टि से सह प्रभारी लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है दोबारा से 10 की 10 सीटें रिपीट करने के लिए। सर बात करें JJP से कर रहे और JJP 10 की 10 है। देखिए ये तो उनको तय करना है कि उनके यहां से कौन लड़ता नहीं लड़ता। अभी तक हमारी जो प्रभारी जी की भी स्टेटमेंट है वो ये है कि 10 की 10 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की लड़ेगी। तो बात कर चर्चाएं हैं प्रबल कल तक हो सकता है कि NDA में उनकी वापसी हो जाए, किस प्रकार देख रहे हैं सर? देखिए बिहार में टूट फूट है वो सबको नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन बेसिकली सत्ता लोलुपता के लिए बना एक गठबंधन है। अपनी ममता बनर्जी ने उनसे किनारा कर लिया है, भगवत मान का मैं स्टेटमेंट रहा था पंजाब में उन्होंने किनारा कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन कुछ बेहतर कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ेगी मोदी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी भी नया यात्रा निकाल रहे हैं, किस प्रकार से देखें? राहुल गांधी जी जब जब यात्रा निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है, तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी ना लोग सीरियस लेते हैं ना भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेती है और ना कांग्रेस सीरियस लेती है। बात करें सर इस यात्रा निकाल रहे हैं सर हुड्डा जी भी अपने घर घर कांग्रेस से, किस प्रकार देख रहे हैं? हुड्डा वर्सेज कुमारी शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी, हुड्डा वर्सेज ये तीनों है ना, तो ये तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी को तो ये सारे मिलकर लड़ते हैं तब भी फायदा है और ये आपस में सरफटोल करते हैं तब भी फायदा है। कांग्रेस की ऐसी क्षमता ही नहीं है अब जो भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा उसमें रोक सके। सर बात करें चुनाव लड़ेंगे तो अगर ये एक साथ आए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में ये एक साथ गए थे हम जीते, तो इसलिए कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
खुद ही अपने भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा के लोग गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उनको यहां से चुनाव भी अन्य जगह से जाके लड़ना पड़ता है। धरातल पे कोई है नहीं, धरातल पे ये चारों नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला, धरातल पे कोई काम नहीं करता, केवल बयानबाजी में ये बड़े नेता है, वर्तमान में इनका कोई आधार नहीं। सर बार बार भर्ती है पाइपलाइन में है, वो भर्तियां कब तक पूरी हो सकती है सर आने वाले समय में, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाती है? देखिए ये निर्णय तो आयोग लेता है, आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी होती है, अपना काम करती है, परंतु जितना मुझे तैयारी दिख रही है अभी तक उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि फरवरी में एक बड़ा नंबर ज्वाइन करेगा। नेमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गीता मनीषी ज्ञानंद जी महाराज ने जीवन में गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गीता अपनाने से रोगी व डॉक्टर के बीच विश्वास में आ रही कमी दूर हो सकती है। इससे रोगी का डॉक्टर के प्रति विश्वास बढ़ेगा और डॉक्टर का रोगी के प्रति स्नेह भाव जागेगा। इससे दोनों को आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी और स्वस्थ समाज की संरचना होगी। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि चिकित्सकों का जीवन तनाव भरा होता है, लेकिन वे अगर अपने जीवन में गीता को उतारते हैं तो तनाव समाप्त होगा और मरीजों का इलाज भी भली प्रकार से होगा। जीएल गीता की मेडिकल विंग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अंचल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वामी जी ने कहा कि मन की बीमारी को दूर करने के लिए गीता को अपनाना होगा। तो हमें लगता है कि जब हम भगवत गीता से को जोड़ने के साथ तो हम पहले स्वयं उससे फ्री हो पाएंगे, थोड़ा खुल पाएंगे, और फिर जब हम सहित भगवान कृष्ण ने जब गीता उपदेश दिया ना अर्जुन रोग में दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक जरूर देखना, उसमें लिखा है कि अर्जुन पूरी तरह रोगग्रस्त है, विषाद में है, लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न में बात, मुस्कुराते हुए बात करते हैं। क्यों? हमारे संबोधन ने पूछा कि उस समय भगवान कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहे थे, हमने कहा इसलिए कि भगवान कृष्ण ने उपदेश ही मुस्कुराने का देना था कि इस अवस्था में भी स्वयं भगवान कृष्ण ही यदि परेशान हो जाते अर्जुन को देखकर उपदेश कर देते, तो इसलिए हम कैसे खुल पाए उसके लिए गीता है। और सच में जब थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ने का अभ्यास बनाओगे, गीता से जुड़ने का अभ्यास बनाओगे, जीव गीता बिल्कुल आपके साथ है, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जीव गीता पूरी तरह से आपके भाव के साथ है, आगे बढ़ करके कि क्या हम कर सकते हैं और अच्छा अपने जीवन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, समाज के लिए क्या हम और अच्छा इस माध्यम से कर सकते हैं, उसके लिए हम सब मिलकर कुछ योजना बना सकते हैं, आपके सुझाव भी ले सकते हैं। आज भी समय अधिक हो गया, नहीं तो हमारा मन तो ये रहता है कि जब हम डॉक्टर्स के साथ या कई सीनियर्स के साथ ऐसे बैठे किसी फील्ड के तो कुछ समय। अब एक खबर चलते चलते, शादी से पहले युवाओं में प्री वेडिंग शूट के बढ़ते चलन की भिवानी के डॉक्टर नकुल शर्मा व उनकी होने वाली जीवन संगनी डॉक्टर नंदिनी ने एक नया मोड़ दे दिया है। इस जोड़े ने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर स्थित अपना घर में रह रहे शुद्ध बुद्ध खोए प्रभु जीवों को भोजन करवाकर शादी की रस्मों की शुरुआत की। यह निर्णय उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी संस्कृति व संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। संत समाज द्वारा भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष गौड का किया गया सम्मान। पीड़ित निवेशकों को दिखी उम्मीद की किरण, बर्ड्स एक्ट के तहत भिवानी में कार्यालय खोलने का मिला आश्वासन। हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा चुनाव नहीं होंगे साथ साथ, कहा प्रदेश प्रवक्ता जोहर यादव ने।
गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने चिकित्सा के क्षेत्र में गीता का बताया महत्व। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।